नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम टोक्यो ओलंपिक के पॉइंट्स टेबल की बात करेंगे और जानेंगे कि गोल्ड मेडल जीतने के बाद भारत का कौन सा स्थान है। नंबर वन पर चाइना है जिसने 38 गोल्ड 31 सिल्वर 18 ब्रॉन्ज की मदद से कुल 87 मेडल जीते हैं। नंबर दो पर यूनाइटेड स्टेट है जिसने 36 गोल्ड 39 सिल्वर 33 ब्रॉन्ज की मदद से कुल 108 मेडल जीते हैं। नंबर तीन पर जापान है जिसने 27 गोल्ड 12 सिल्वर 17 ब्रॉन्ज की मदद से कुल 56 मेडल जीते हैं। नंबर चार पर ग्रेट ब्रिटेन है जिसने 21 गोल्ड 21 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज की मदद से कुल 64 मेडल जीते हैं। नंबर पाँच पर आरओसी है जिसने 20 गोल्ड 26 सिल्वर 23 ब्रॉन्ज की मदद से कुल 69 मेडल जीते हैं। नंबर छः पर ऑस्ट्रेलिया है जिसने 17 गोल्ड 7 सिल्वर 22 ब्रॉन्ज की मदद से कुल 46 मेडल जीते हैं। नंबर 12 पर न्यूजीलैंड है जिसने 7 गोल्ड 6 सिल्वर 7 ब्रॉन्ज की मदद से कुल 20 मेडल जीते हैं। नंबर 13 पर ब्राजील है जिसने 7 गोल्ड 4 सिल्वर 8 ब्रॉन्ज की मदद से कुल 19 मेडल जीते हैं। और 21वें नंबर पर जमाइका है जिसने 4 गोल्ड 1 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज की मदद से कुल 9 मेडल जीते हैं। नंबर 22 पर स्पेन है जिसने 3 गोल्ड 8 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज की मदद से कुल 17 मेडल जीते हैं। और वहीं भारत की बात करें तो भारत इस लिस्ट में 47वें नंबर पर है। भारत ने 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज की मदद से कुल 7 मेडल जीते हैं। भारत के लिए कल नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर दूर भाला फेंक कर ये गोल्ड अपने नाम किया और भारत का इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कर दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।